पंजाब में कांग्रेस सरकार को एक साल पूरा होने पर जलंधर के सूर्य एनक्लेव में भाजपा द्वारा बजाओ डोल खोलो पोल रैली का आयोजन किया गया। एक तरफ जहां पंजाब में कांग्रेस सरकार का कहना है कि सरकार लोगों से किए वादे पूरे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में लगी हुई है। इसके चलते जलंधर में भाजपा द्वारा बजाओ डोल खोलो पोल नामक एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में भाजपा प्रदेश प्रधान विजय सांपला, सीनियर नेता अविनाश राय खन्ना, संगठन मंत्री दिनेश शर्मा सहित पंजाब के समूह भाजपा लीडरशिप हिस्सा लेने पहुंचे। यहां मौजूद भाजपा नेताओं के अनुसार पंजाब में कांग्रेस सरकार को एक साल हो चुका है, पर सरकार लोगों को गुमराह करने के सिवाय और कुछ भी नहीं कर रही। उनके अनुसार कांग्रेस ने चुनाव से पहले पंजाब के लोगों को जितने भी वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली सरकार बनी है जिहड़ी एक साल के अंदर लोग उस सूबे से नफरत कर लगे हो, नहीं तो दो तीन साल तो लगते हैं लोगों के मन च उम्मीदा होनी है। आ पहली सरकार है जिहड़ी कोई उम्मीद लोगों के नहीं है, कोई उम्मीद छड़ गए है। मैं क्या कांग्रेस ही आप ही छड़ गया उम्मीद हाथ खड़े करके। नाले मैं कहना चाहना मनप्रीत सिंह बादल के कैप्टन साहब को, जे तुसीं कहंदे खजाना खाली है यार, दो महीने वास्ते पासे हट जाओ, जो गड्डी की चाबी साढ़े को देखते दे दे खजाना खाली है कि भरया, तुम नजारा दिखा देंगे। पहली सरकार देखी है जी कहती 800 स्कूल बंद कर दो, सरकार आँदी है जेडे वादे करके आते हैं, जी साढ़े वालों जी आटा दाल की स्कीम स्कूलों के मिड डे मील चलती सी, केंद्र सरकार तो पैसा आता वह भी बंद है, आटा दाल स्कीम बंद है, नौकरियों की तनखाह बंद है, और चलता की है, चलता जोड़ा वो धक्का करप्शन ठगियां ऐसिया चल रही, और जिते साढ़े वित्त मंत्री वो कदे तो कहेंगे कि साढ़े को खजाना है नहीं, कदे कुछ कहेंगे, कैप्टन कुछ कह जाता मंत्री वह आके गल बल्द दिता, और सवेर में कैबिनेट जाते फैसला कुछ होर ही होया हों। जलंधर से पुनीत अरोड़ा, जीवे पंजाब टीवी।